मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्स कई में आप सभी का स्वागत है। इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये जरूर सवाल होगा कि महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि के दिन ही भक्तों को सिर्फ एक वक्त का भोजन ही करना चाहिए। फिर शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिव जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। फिर शाम में एक बार फिर से स्नान करें और शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन शिव मंदिर भी जरूर जाएं। महाशिवरात्रि पर शिव भगवान की पूजा रात्रि के समय करना ज्यादा शुभ माना गया है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते, सिर्फ फलाहार खा सकते हैं, वो भी पूजा आदि संपन्न करने के बाद। अगले दिन स्नान आदि के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि फलाहार में आप क्या क्या खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में गेहूं अथवा चावल के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा साबुत अनाज से बनी कोई भी चीजें नहीं खाएं। इस व्रत में लहसुन प्याज का सेवन तो करना ही नहीं है, यहाँ तक कि व्रती के परिवार वालों को भी सात्विक भोजन ही करना है। इस दिन सफेद नमक नहीं खा सकते हैं, इसकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती को जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन नियमों को जरूर फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।